गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माई चैनल। आज इस वीडियो में हम SSC GD 4 अक्टूबर 2015 का पेपर देखेंगे। ये पेपर फर्स्ट शिफ्ट का है। इससे पहले मैंने 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। सभी विषयों के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, आपको जिस भी विषय के क्वेश्चन पेपर देखने हों आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। हम यहाँ 11 साल का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मेरे चैनल पर जो आपको शॉर्ट्स वीडियो मिलेंगे, यानी कि जो 1 मिनट की वीडियो होती है, उसमें मैंने GK के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि सिलेबस में या क्वेश्चन पेपर में हम बार बार देख रहे हैं कि किस टॉपिक के क्वेश्चन कन्फर्मली पूछे जा रहे हैं, तो उस टॉपिक का वीडियो मैं छोटा करके बनाती हूँ ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकें। देखिए, GK जो होता है वो हम कितना न पढ़ लें, इस तरह का सब्जेक्ट है, तो उसके लिए मैं डेली आपको 2 से 3 शॉर्ट्स वीडियो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर बना के अपलोड कर रही हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। देखते हैं पहला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो हम सभी को पता है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह किसका मत था। हमें बताना है कि ये किसने कहा था, तो देखिए ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह की महानता किसमें निहित है। ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष अभिवृत्ति, हुमायूं पर जीत, श्रेष्ठ जनरल होना, प्रशासनिक सुधार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है प्रशासनिक सुधार। नेक्स्ट देखते हैं, नगदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है। ऑप्शन है कर नीति, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति या कृषि नीति। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा मौद्रिक नीति। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30, अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है। ऑप्शन है संगठन, श्रम, उपकर या पूंजी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पूंजी। आगे नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 31, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया। देखिए ये भी एक तरह से रिजर्व टॉपिक है। ये जो गवर्नर जनरल या जो वायसराय थे, इनके द्वारा किए गए जो महत्वपूर्ण काम हैं, इनसे एक क्वेश्चन कन्फर्म है, तो आप इसे अच्छे से देखिए। अगर आपके पास लूसेंट की बुक होगी, आई होप कि आपने लूसेंट की बुक ले ली होगी, अगर नहीं है तो अभी भी समय है, आप ले लीजिए। लूसेंट की बुक में ये बहुत अच्छे से दिया गया है। इसके अलावा आप यूट्यूब पे भी कई सारी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं और इस टॉपिक को एकदम क्लियर कर लीजिए, रट लीजिए। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है 1786, 1773, 1771 और 1772। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 1772, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32, कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार मिलता है। श्रमिकों को रोटी और कपड़ा मुहैया करा के, औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार खोलकर, कच्चे माल की आपूर्ति करके या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है कच्चे माल की आपूर्ति करके। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 33, BCG टीके में C अक्षर से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है कफ, बी है कैलमेट, सी है क्लोरीन और डी है कैडमियम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा कैलमेट। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है, तितली, शैवाल, मशरूम या टिड्डा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा शैवाल। देखिए शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है और ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अविमिशीय राशि है, विकृति, शयनता गुणांक, गैस नियतांक, प्लांक नियतांक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा विकृति, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई। ऑप्शन है गियासुद्दीन तुगलक, बलबन, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो है बलबन। देखिए बलबन ने अत्यधिक कठोर नीति, रक्त और लौह नीति अपनाई थी। उसके समय में सुल्तान की प्रतिष्ठा और शक्ति गिर गई थी, उसको पुनः स्थापित करना तथा जनसाधारण के प्रति सुल्तान का भय एवं सम्मान उत्पन्न करना और समाज में कानून व्यवस्था की स्थापना के लिए उसने इस नीति का पालन किया। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे छोटा महासागर कौन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आर्कटिक महासागर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38, सोडियम का बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल
कौन सा होता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा एसिटिक एसिड। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 39, भारी पानी गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा D2O। आगे देखते हैं, वातावरण में मौजूद सल्फर के ऑक्साइड बारिश में धुल जाते हैं और क्या बनते हैं? ऑप्शन है फॉसिल ईंधन संग्रहों का क्षरण, बी है झीलों में यूट्रोफिकेशन, सी है मृदा में पीएच का निम्नीकरण और डी है औद्योगिक धूम निर्माण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा मृदा में पीएच का निम्नीकरण। पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः PPM में व्यक्त किया जाता है, यहाँ PPM का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पार्ट्स पर मिलियन। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 42, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व देखिए घट जाता है जब पानी जम जाता है। आगे देखते हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL का अभिप्राय है? तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अभी मैं इस टॉपिक पे एक शॉर्ट्स वीडियो बनाऊंगी, छोटे में ही आपको कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। देखिए GK ऐसा है कि हम कितना पढ़ लें, GK के लिए हम दो दो तीन तीन घंटे की वीडियो देखते हैं, और मुझे जितना पता चल रहा है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, मैंने उन सभी पे छोटी छोटी वीडियो बना दी है। आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जिसे ओलंपिक खेलों में एनाबॉलिक स्टेरॉयड का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंधित किया गया। तो देखिए ऑप्शन है प्रतिमा कुमारी, बी है सुमिता लाहा, सी है अश्विनी अकुंजी और टी है सनमचा चानू। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये है सनमचा चानू, ऑप्शन नंबर डी। देखिए टी सनमचा चानू प्रथम भारतीय थी जिन्हें वर्ष 2004 में होने वाले एथेंस ओलंपिक में इसके कारण बैन किया गया था। ये मतलब इन्हें कब बैन किया गया था, तो ये किया गया था 2004 ओलंपिक में। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 45, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो इनकी पुस्तक का नाम बताना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 46, संयुक्त राष्ट्र संगठन UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए इस विषय पर अभी मैंने दो तीन दिन पहले ही वीडियो अपलोड की है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं चैनल पे जाके, वो टाइटल है अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उनके मुख्यालय। तो देखिए यहाँ पे जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, तेलुगु कृति अमुक्त मलेडा का लेखक कौन था? ऑप्शन ए है कृष्णदेवराय, बी है बुक्का, सी है हरिहर और डी है देवराय। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा कृष्णदेव राय। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 48, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए एक ही बार में दो क्वेश्चन, तो देखिए ये जो है इसका राइट आंसर होगा वो होगा जिनेवा स्विट्जरलैंड। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो देखिए इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1955। अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1955 को हुई थी। आगे देखते हैं, मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित की है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे देखते हैं, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा पंडिता रमाबाई। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। इससे आपको पता चलेगा कि आप अभी कितना कर पा रहे हैं और आपको और कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।